नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर शून्य जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, लगभग अभी वैसे से कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फरवरी या जनवरी में, जो जैसा कि हर साल होता है, तो इस साल भी हम मान के चल रहे कि हमारा जो पेपर है फरवरी में ही होना चाहिए। देखिए, डेट इसके आगे पीछे हो सकती है, या तो ये जनवरी में शायद हो, या तो फिर आगे वो मार्च तक के भी जा सकता है। परंतु हमने तो यही सोच के अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए कि जो हमारा पेपर है फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा ही होगा। तो दोस्तों, इसीलिए आज का जो वीडियो है इसीलिए है। मैं आपसे उम्मीद करूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है इस 90 दिन में, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे होंगे और 90 दिन में हम क्या करें। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी तैयारी करने का सोच रहे, या एक दो महीने पहले से तैयारी जिसने स्टार्ट कर दी है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो लगातार पिछले एक सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि सिर्फ एक टाइम इस वीडियो को आप देख सकते हैं और पूरा देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम ये डिस्कस करने वाले कि आखिर हम 90 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, कितना हमें पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे कि आखिर हमारे 2019 में, या यूँ कहें कि प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में हमारा पाठ्यक्रम क्या, सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें पूछता है एमपीपीएससी आयोग के अनुसार, और उसके अंतर्गत फिर हमें जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे हम देखेंगे, और फिर हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमें पढ़ना है वो काय से पढ़े, मतलब उनका स्रोत हम देखेंगे। दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है, इसमें देख सकते हैं आप हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों जो पेपर है 2-2 घंटे के होंगे और 200-200 अंक के हैं। परंतु जो मेरिट लिस्ट है, प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन है, उससे ही बनेंगे और उसी का ही यहाँ पर सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण के अंदर भी जैसे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम में जो परिवर्तन होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। और इसमें एक बात देखिए, बहुत शानदार बात कही है कि अवलोकन व अनुभव से संबंधित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हैं, जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, सम्मिलित होंगे। मतलब आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने इस सब्जेक्ट का कोई विशेष अध्ययन किया हो। दूसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। वर्तमान घटनाएं मतलब करेंट अफेयर्स पूछ रहा है, जितने भी भारत के अंदर, मतलब राष्ट्रीय और जितना भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही है, इससे संबंधित करेंट अफेयर्स पूछेगा ही पूछेगा आपको। तीसरी बात कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, और साथ में स्वतंत्र भारत से संबंधित क्वेश्चन। फिर जो हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के, भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी क्या कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के इसमें लगभग कुछ प्रश्न देखने को हमको मिलते हैं, और भारत के भूगोल के साथ 1-2 क्वेश्चन जनरली हर एग्ज़ाम में आपको विश्व भूगोल से भी देखने को मिलता है। विश्व की जो सामान्य भौगोलिक जानकारी है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, भारतीय राजनीति व्यवस्था, जिसमें पंचायत हो गया, संविधान हो गया, पंचायती राज हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गया, और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सतत आर्थिक विकास, विदेशी व्यापार, ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें बताया गया है खेल कूद, कि भाई खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन भी है, पूछेगा ही पूछेगा, और हर साल पूछता है। और खेल कूद में स्पेशल लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व। जनरली जब हम पेपर देखेंगे तो मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमको खेलकूद में के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ में देखिए क्या पूछा गया है कि प्रमुख खेलकूद एवं उस खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, व्यक्तित्व जो खेल से संबंधित खिलाड़ी होंगे, और प्रतिष्ठित खेल संस्थाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो इसके इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देख लीजिएगा कि कोई भी खिलाड़ी से पर्टिकुलर हो, पुरस्कार मिला है, उसका ईयर पूछ लेते हैं, विभिन्न जो खेल संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से हमको एमपीपीएससी में देखने को मिलते हैं। इसे अगला दिया है मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास व संस्कृति।
तो ये भी चीज़ इसमें हमको देखने को मिलेंगे। और साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था 2018 के प्रीलिम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं, राजनीति से भी और अर्थव्यवस्था से भी। और उसके बाद हमारे जो सिलेबस में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैसे इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो टॉपिक है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा कि भाई वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस, ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं सीधे के सीधे इन टॉपिक से एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए उठा के सीधे के सीधे। देखिए इसके बाद जो है हमारे सिलेबस में और क्या है, हमारे सिलेबस में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और साथ में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और एक और अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस था, इतना आपका सिलेबस रहेगा और इसी से संबंधित घुमा फिरा के फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। देखिए इसके बाद हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले कि आखिर इनमें से हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से पोर्शन को ज़्यादा तवज्जो हमने देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। परंतु ध्यान रखिए कि आपका जैसे आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सबको देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप देखोगे तो उन्हीं के आधार पर आप आगे अपनी तैयारी को नई धार दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं और आगे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते, जब तक कि आप ऐसा सोचेंगे नहीं तब तक कि आप उस स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, उसको सॉल्व करिए। आप क्या करिए, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, पूरे के पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर डालिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी तैयारी को। अब देखिए हमारे पास 90 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर आपको कई लोग कहेंगे कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, विभिन्न स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, परंतु अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम अब हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर उठा के कोई एक बुक पढ़ें। बहुत ही कम दिन बचे हैं, 90 दिन बचे, और हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि हमारी जो संभावना है बढ़ जाए सिलेक्शन लेने की प्रीलिम्स में। सर्वाधिक 100% तो हम कह नहीं सकते, परंतु हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे चांस हो जाए कि हम प्रीलिम्स क्रैक कर ले अच्छी तरीके से। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जितना भी हमारा सिलेबस है इसके अंतर्गत हमें किस सब्जेक्ट पर, किस पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किसको थोड़ा कम समय देंगे तो भी चल जाएगा, इतनी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर के बेस पर ही कर रहे हैं, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारे अनुसार कि एमपीपीएससी की तैयारी में कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ होना चाहिए, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाता है, और जिस पर यदि आपकी पकड़ नहीं है तो वही आपको बाहर भी करवा देता है। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं एमपीपीएससी में जो सिर्फ एमपी के तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वही अच्छे से कर पाते हैं, अदर स्टेट के छात्र जो हैं नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट का वेटेज जो है एमपीपीएससी में ज़्यादा है। जैसे कि यदि हम बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है एमपीपीएससी में जिसको आपको कहीं ना कहीं किसी भी हालत में एकदम इतना कंठस्थ कर लेना है कि इन टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी जीके की। ठीक है जी, एमपीपीएससी में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि जितना भी एमपी का जीके है ये पूरा का पूरा आपसे हो जाए। दूसरी बात है कंप्यूटर की, क्योंकि आपने यदि पिछली बार पेपर दिया होगा और यदि यहाँ जो हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं और जिनका बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं निकला होगा, तो वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका जो है एमपी जीके ठीक नहीं था और जिसके कारण वो एक दो तीन चार नंबर से बाहर हो गए। देखिए एमपी जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, हमारे एमपीपीएससी में जिसकी मुख्य भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बाहर और अंदर करने के लिए एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से लगभग हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 8-10-12 क्वेश्चन ही एवरेज, 10 आप पकड़ के चलिए एवरेज 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को ही मिलते। और एमपी जीके की बात कर तो इस साल तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अलग बात है कि इन क्वेश्चन के जो नंबर हैं कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते, परंतु ये पक्का है कि ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन पूछता उनका वेटेज हर साल अधिक होता है। तीसरी बात इन्वायरमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिस पर किसी की नज़र जाती ही नहीं है,
समझ में नहीं आता कि इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़े, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी में फॉरेस्ट का पेपर भी साथ में होता है प्रीलिम्स का, जो हाँ फॉरेस्ट का पेपर साथ में हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और हम ये भाग को पढ़ते ही नहीं हैं, जिससे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हमको विभिन्न एक्ट, विभिन्न जो सम्मेलन होते रहते हैं, विभिन्न नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमपीपीएससी, परंतु इस पार्ट पर हम ध्यान नहीं देते और यहाँ से हर साल क्वेश्चन की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सिलेक्शन के लिए, वो है एनवायरमेंट। ठीक है जी, चौथा पार्ट ये है साइंस। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमने शामिल नहीं करा है, क्योंकि जनरली वो सब्जेक्ट सबको ही पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और हमारा कमज़ोर पार्ट भी यही रहता है जो हमको बाहर करता है। आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कई बार हमसे, हमने पढ़ा हो तो हमसे बनते हैं, नहीं पढ़ा तो हमसे नहीं बनते हैं, और हम जनरली हम साइंस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और इतनी बेसिक बेसिक सी बात पूछ लेता कि हम नहीं कर पाते हैं। तो एमपीपीएससी में साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यदि हम साइंस भी अच्छे से कर ले रहे हैं, क्योंकि हर साल यदि हम 2018 की बात करें, इस साल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, परंतु हम 2018 को मानकर हम हमारी स्ट्रेटजी तैयार नहीं कर सकते कि भाई हम साइंस पढ़ेंगे नहीं, इस साल नहीं पूछा गया। परंतु 2018 के पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको साइंस से देखने को मिलते हैं, और जनरली वो क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम साइंस को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो साइंस एक बहुत ही मुख्य भूमिका में नज़र यहाँ पर आता है। अगला जो पार्ट है जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है गेम्स एमपीपीएससी में। यदि आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना जो कि खेल से संबंधित है उस पर अच्छी पकड़ हो गई, उसके आपसे एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि आप अच्छे नंबर ला सको। गेम में क्या, गेम में जैसे आपने सिलेबस देखा है कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे गेम में जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियाँ हो रही है, ठीक है जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियाँ हो रही है, उसमें कौन से जीत रहे, कौन सा देश हार रहा है, उन ट्रॉफियों का कहां पर आयोजन किया गया था। दूसरी बात, गेम से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम जनरली, जो कि बहुत रेयर होता है कि हम बना पाए, हम तैयारी नहीं करें, तुक्का भी नहीं लगता है। विभिन्न गेम से संबंधित व्यक्तित्व पूछ लेता है, व्यक्तित्व पूछ लेता, साथ में यदि आप इस साल का पेपर भी देखेंगे तो विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावली पूछ लेता है कि भाई ये शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो इस गेम से मान के चले कि 5 से 7 या 10 क्वेश्चन भी आपको एमपीपीएससी में मिल ही जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि गेम से मैं करेंट अफेयर्स को ही मिला ले तो पूरी संभावना पहुंच जाती है कि इस पार्ट से 15 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, अगर गेम के करेंट अफेयर्स को मिला लेते हैं तो। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है ये भी। उसके बाद जो एक जो हमारे सिलेबस में 3 एक्ट दिए हुए, 1955 का एक्ट दिया है, फिर 1989 जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, और 1993 मानव अधिकार अधिनियम है। ये जो एक्ट है, अब देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस साल अगर हम पेपर में देखेंगे तो इस साल लगभग इससे 26-27 क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, पर्टिकुलर सिर्फ 3 एक्ट से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। और हम जनरली क्या करते हैं कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स रट्टा मारते रहते हैं और इन भागों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और इन भाग को पढ़ते भी कब है कि जब हमारे एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हुए, हम जनरली उस दिन इसको उठाते हैं। परंतु इनको हम अगर अभी से तैयारी करते रहे, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, तो उस समय तक के आई थिंक सो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये सब चीज़ें हमारी मुट्ठी में रहेंगा, उस समय टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी मुख्य मुख्य टॉपिक है इसको हम पहले निपटा सकेंगे। तो तीसरा जो 3 जो एक्ट है, छठवां पार्ट में हमने देखा, छठवां भाग, जो 3 एक्ट 1955, 1989 और 1993, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं सिलेक्शन के लिए। इस साल जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार इनका योगदान रहता है एमपीपीएससी के सिलेक्शन में। और इसके बाद जो देख रहे हैं करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स एक वो टॉपिक है जो कि आपकी आपको सफलता के लिए ये कहना चाहिए कि भाई अगर इस पर आपने अगर अच्छे से पकड़ बना ली करंट अफेयर्स पे, और इससे संबंधित फैक्ट, क्योंकि जनरली अब पेपर में क्या देखने को मिल रहा है कि करंट अफेयर्स और उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं उसके आसपास की,
यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, और यदि हमारी करंट अफेयर्स पे पकड़ अच्छी है तो हमारे बहुत सारे फैक्चुअल डेटा जो कि अलग अलग टॉपिक से संबंधित है, कुछ जीके संबंधित है, कोई ज्योग्राफी से संबंधित है, कुछ साइंस से संबंधित है, कुछ पॉलिटी संबंधित है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है हम करंट अफेयर्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हाईलाइट रहा है। तो करंट अफेयर जो कि हर साल 15-12 कभी कभी तो 20 तक के भी पहुँच रहा है, तो करंट अफेयर्स ये हमारा पूरा का पूरा 12 महीने का कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे कि हर साल लगभग 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विविध जो पार्ट है मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। यदि आप लुसेंट को उठाओगे, लुसेंट के पीछे आपको विविध देखने को मिलेंगे, और यदि हम उसे पढ़ लेते हैं अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे निकलते हैं। देखिए अब इसमें हमने देखा, हमने कुछ 8 भाग में हमने क्वेश्चन को डिवाइड करके देखे कि इस पार्ट से बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, और यदि हम प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक को देखें तो लगभग हर साल 65-70 क्वेश्चन सिर्फ इनसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है 8, यहाँ सोचने वाली बात है कि इनका सिलेबस है जो डेटा है कम है, इनका डेटा बहुत कम है 8 टॉपिक का, और इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर बहुत छोटा सा एनवायरनमेंट, 10 पेज में आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 10 पेज में गेम्स कंप्लीट हो जाएंगे, 20-30 पेज में आपके पूरे पूरे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और करंट अफेयर्स और विविध, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही कम डेटा है। और इस पर अगर हमने पकड़ बना ली तो हम एग्ज़ाम के जो हमारा पेपर रहेगा उसमें हम 65-70% तक के क्वेश्चन सही कर पाएंगे सिर्फ इन 8 टॉपिक को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमने 8 टॉपिक की बात करी परंतु, और 65-70% क्वेश्चन की बात करी, परंतु कुछ अन्य टॉपिक भी है जिसको हमें करना ही चाहिए। ये पहले बताने का मतलब है कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि MPPSC के एक महीने, एग्ज़ाम के एक महीने के पहले तक ये पूरे 8 टॉपिक पर मुझे इतनी ज़बरदस्त कमांड बनाना है कि इससे संबंधित कैसे भी कहीं से भी किसी प्रकार के क्वेश्चन बने, हमसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो वो क्वेश्चन है जो कि MP के छात्र सही करेंगे। पर आपको पता है कि अदर स्टेट वाले लोग भी MPPSC में ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ये भाग जो है थोड़ा कमज़ोर भी रहता है, और जहाँ हम इस पर अच्छी मेहनत करके अच्छी पकड़ बना के और आगे निकल सकते हैं, MP के छात्रों से भी और बाहर के छात्रों से भी। अब कुछ और पार्ट जो कि MBPSC में जिससे जनरली लगभग 30-35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये कितने बड़े सब्जेक्ट है, एकदम हाथी कह सकते हैं इनको, इतने बड़े सब्जेक्ट है, इतना सारा डेटा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मेडिवल और आधुनिक इंडियन हिस्ट्री, देन अगर ज्योग्राफी की बात करें तो भाई इंडियन ज्योग्राफी और विश्व का जो भूगोल है ये जनरली हमको देखने को मिलता है। पॉलिटी ठीक ठाक अच्छा बड़ा है, इकोनॉमिक्स तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये पूरा एरिया कवर करने पर हमारे 30-35 नंबर आएंगे, और वो एरिया कवर करने पर हमसे जो हमारे हैं लगभग 65-70 हमारा नंबर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब समझिए कि हमें क्यों इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये अब देख सकते हैं आप कि भाई इतना ज़्यादा, जो 1 से लेकर 7 तक के हम इसकी बात करें कि भाई इतने टॉपिक कवर करके 65-70% और इतने टॉपिक कवर करके 30-35 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, परंतु यदि हम डेटा की बात करें तो इसका डेटा कम है और इसका डेटा बहुत अधिक है, और सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना भी इसी क्षेत्र से, इसी पोर्शन से रहती है। और अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारे सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, खासकर अगर हम ये टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है, हमें कट ऑफ को ही पता होना चाहिए। पिछले 2-3 वर्षों की बात करें तो MPPSC का कट ऑफ जो है 65-70 जा रहा है, 65-70 प्रश्न नंबर की बात करें तो 140, मतलब 130-140 के बीच में आपको जनरली देखने को मिलता है। OBC जनरल इनका लगभग इतना ही आपको देखने को मिलता है, जैसे इस साल OBC का लगभग शायद 67 रहा था, मतलब 134 नंबर, 200 में से 134 नंबर में उनका सिलेक्शन हो जा रहा था, लिस्ट में रोल नंबर आ जा रहा था। और अगर हम कुछ पिछले वर्षों की बात करें तो जनरली यदि पेपर इजी होता है तो जो कट ऑफ है 75-80
प्रश्न के लगभग हमको देखने को मिलता है, और यदि प्रश्न पत्र यदि थोड़ा सा टफ आता है, कुछ ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी पूछ ले रहा है, थोड़ा टफ है, तो जैसे तो पिछले 2 साल में हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न पत्र है, जैसे जो कट ऑफ है 65 से 70 प्रश्न के लगभग में रहा था। ये पूरी बातें समझाने का लब्बोलुआब यही है भाई कि आप समझे कि हमें किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी टॉपिक पर भी ध्यान देना है, हम ये नहीं कह रहे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, परंतु हमारे दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि भाई आखिर हम देखें तो कि कौन सा पार्ट में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, और किस में, मतलब कहाँ, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालो तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लॉस हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम एक एक करके कुछ और देखने वाले हैं कि जितनी भी हमने बातें डिस्कस करी है इसको हम आखिर कैसे पढ़े, कौन से सोर्स के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो है, अधिकांश चीज़ें कवर हो जाए और हम क्वेश्चन बनाने की संभावना में रहे। तो यहाँ तक कि हमने ये समझा कि क्या क्या पूछता है, क्या क्या हमें किस किन किन सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स है, इसे हमें किन सोर्सेस से कर लेना चाहिए। देखिए, अब कई लोग, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 महीने बचे हुए हैं और आपके दिमाग पर देने वाले लोग, मतलब यदि आप बाहर निकलोगे घर से, आजू बाजू साइड घूमेंगे तो लोग कहेंगे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अरे भाई इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होने वाला, ऐसी जनरली बातें। अभी इंदौर भोपाल में अभी चले जाइए आप, तो जहाँ कोचिंग वोचिंग होती रहती है, तो जनरली ऐसी बातें आपको सुनाई देगी और सजेस्ट करेंगे भाई ये पढ़ लो, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ लो, ऐसे नाम सजेस्ट करेंगे। परंतु देखिए, अभी हमारे 3 महीने बचे हुए, हम ये नहीं कह रहे कि स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम मेंस की तैयारी अभी नहीं कर रहे, हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे, जहां हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम क्वेश्चन बनाने की संभावना में रहे। अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की और एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे तो हम भाई हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करें सबसे पहले। अब वो कैसे करें, वही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम 3 महीने में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब देखिए, थोड़ी बात हम सबसे पहले एमपी की बात करते हैं कि एमपी का जो जीके है, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका में कहे हम एमपीपीएससी में, उसको हमें कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कैसे कैसे कौन से टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसमें कुछ टॉपिक शामिल करें। ये पूरे वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाया जाएगा, वैसे लास्ट ईयर हमने फिर बनाया था कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर भी इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। परंतु अभी यहाँ देखिए, यदि एमपी जीके की बात करें, 2-3 बुक हमको मिलती है मार्केट में, 2-3 बुक ठीक ठाक है जिससे कि हम कवर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। परंतु देखिए, हमें क्या सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एमपी में भी, एमपी के जीके में भी, वैसे पूरा पढ़ना चाहिए। सबसे तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे एमपी का भूगोल, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस साल भी देखें, पिछले साल भी देखें, एमपी के भूगोल से पर्वत, नदियाँ, पहाड़, मैदान, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, एमपी के अंदर जैसे आप एमपी जीके पढ़ते हो तो आपको विभिन्न सांस्कृतिक स्थान देखने को मिलते हैं, हमारे कल्चर से संबंधित बहुत सारे स्थान हैं, वो किसने बनाया है, कहाँ पर स्थित, किस जिले में स्थित, ऐसे स्थान आपसे जनरली पूछता है। हिस्टोरिकल प्लेस आपसे पूछता कभी, कहाँ कब किसने बनाया है। दूसरी बात कि एमपी का इतिहास, ये इससे 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं हर साल, दो तीन क्वेश्चन जनरली एमपी के इतिहास से क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं हमें, और जो जनरली हमें बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। तो एमपी का इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर। उसके बाद एमपी से संबंधित राज व्यवस्था के बारे में कि भाई गठन कब हुआ एमपी का, उसमें जिलों का गठन कब हो रहा है, और विभिन्न जो एमपी के पदाधिकारी है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन जनरली राज व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरी बात ये, नेक्स्ट जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जनरली एमपीपीएससी में हर साल जो है कोई ना कोई व्यक्ति का क्वेश्चन पूछता भाई ये किससे संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरी बात वो पूछता कि भाई किस जिले से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कौन सी विधा, कि भाई चित्रकार है, क्रिकेटर है, पेंटर है, व्हाटएवर, इनसे संबंधित, साथ में किस जिले से संबंधित, जनरली ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। साथ में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपीपीएससी का जीके के अंतर्गत एमपी के, वो है एमपी की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक, थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, परंतु इससे हर साल क्वेश्चन निकल के आए हैं, तो ये जो है आपको पढ़ना चाहिए ही चाहिए। और साथ में एमपी के अंतर्गत खेल से इसके जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है,
कि भाई एमपी से कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बाहर निकले हैं, खेल रहे हैं वर्तमान में, कोई विधा उनका किस क्षेत्र से संबंधित है, और करंट अफेयर्स में कौन कौन एमपी के बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं जनरली, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक है एमपी के। अब आपसे आपके सामने सवाल खड़ा होता है कि भाई आपने टॉपिक तो बता दिए, परंतु इन टॉपिक को क्लियर कैसे करें, हम किससे करें? तो हमने जैसा आपको बताया, यहाँ दो तीन बुकें हैं, दो तीन बुक्स ऐसी है जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे से एमपी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें आपके अलग अलग व्यू हो सकते हैं, ठीक है जी, अलग अलग बुक्स भी हो सकती है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, अभी जो लुसेंट, आपने नाम सुना ही होगा लुसेंट, जनरली सामान्य ज्ञान का एक बुक निकालता है, परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं लुसेंट जो है सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो लुसेंट का मध्य प्रदेश एडिशन है। लुसेंट ने स्पेशल एमपीपीएससी के लिए एक बुक निकाली हुई है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम से, चित्र आप देख सकते हैं। तो इस बुक में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं पूरे, कि भाई हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेस, सांस्कृतिक स्थान, जियोग्राफी, प्रसिद्ध व्यक्ति, जनगणना, खेल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, शब्दावली, एवरीथिंग फॉर एमपीपीएससी, इस एक बुक में दिया हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। साथ में हर एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद साथ में यही बताया गया कि भाई कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से निकले हुए प्रीवियस ईयर्स में एमपीपीएससी में, तो ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। हाँ, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा दिया, एक ही सोर्स में बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो हमें अलग अलग बुकों पर भटकना पड़ता है। कुछ अन्य स्रोत भी जिसका बहुत फेमस प्रकाशन है एमपीपीएससी के लिए, जनरली जो सबको लेते भी है, जैसे पुनेकर हो गया, महावीर हो गया, एक एमपीपीएससी का टीएमएच का, टीएमएच प्रकाशन, टाटा मेग्रा हिल से संबंधित एक बुक, मोटी बुक आती है, तो उसको भी आप जनरली देख सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस से, इन सोर्सेस को आप अपने अनुसार पढ़िएगा। परंत में मैं यही कहूँगा कि एमपी जीके के लिए कोई भी एक प्रकाशन की बुक लेकर जिसमें ऑब्जेक्टिव हो, तो आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमको ऑब्जेक्टिव ही करना है एमपीपीएससी में जाके। तो जितने आप अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये जीएस पढ़ने के बाद, जीके पढ़ने के बाद एमपी का, एमपी के जीके की एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई एक टॉपिक बुक से पढ़ा, उसके बाद दूसरा टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, तो इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा, इससे ध्यान भी रहेगा कितना आपको याद हो रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एक्ट पूछता है, तीन एक्ट भाई, 1955, 1989, 1993, तीनों के तीनों एक्ट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, जैसे महावीर प्रकाशन भी आता है और पुनेकर प्रकाशन भी आता है, तो आपको जो लगे आप ले सकते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। और इसमें अगर हम पुनेकर की बात करें, तो इसमें क्या है कि साथ में समझाया गया है और साथ में फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो हम पहले पढ़ लो किसी टॉपिक को और उससे संबंधित पूरे के पूरे एमसीक्यू लगा ले, तो इससे बहुत सारी चीज़ें याद रहती है एमसीक्यू सॉल्व करने से, तो इसमें पुनेकर से आप ऐसा कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें हम, तो परीक्षा मंथन, यदि इस बुक का रिव्यू करें हम, जनरली मैंने खुद ने इसे कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लिया अभी तक के, और इसमें एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छा दिया हुआ है, और यही बताया गया कौन से क्वेश्चन एमपीपीएससी से निकले हुए हैं, साथ में हर टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देता है। तो जनरली आप एमपीपीएससी के लिए, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन देख सकते हैं, कंप्यूटर के लिए लुसेंट भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर और विभिन्न एक्ट की बात थी। इसके बाद पर्यावरण, ये एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन तो हमको बहुत मिलते हैं, पर हमें डेटा नहीं मिलता कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। तो इसमें आपको क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है हम वो देख रहे हैं कि भाई जो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान हैं जो करेंट अफेयर्स में बने हैं, जैसे कि बात करें अभी गिर राष्ट्रीय उद्यान रहा है, गिर जो अभ्यारण रहा है बहुत ही हाईलाइट रहा, जहाँ शेरों की मृत्यु हो रही है। जैसे अभी एमपी की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत हाईलाइट हुआ, क्योंकि उसके अंदर से जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जा रही है। तो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान साथ में जो करंट में बने हुए हैं, तो ऐसी घटनाएं आपको ध्यान रखना है पर्यावरण के अंदर। और पर्यावरण में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विभिन्न एक्ट जो पर्यावरण संबंधित है, जैसे कि भाई वन जीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिनके ईयर पूछता है, पूछे गए है, हर साल पूछता है क्वेश्चन कि ये जो एक्ट है कब लाया गया, ये आयोग कब बना, तो यहाँ से सिर्फ ईयर आपको ध्यान होना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जनरली। उसके बाद करें विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, जैसे गेंडा को बचाने के चला, टाइगर को बचाने के चलाते हैं हम,
ऐसे बहुत सारे जीव है जिनके संरक्षण के लिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो जनरली उस प्रोजेक्ट से संबंधित बातें हमें पता होना चाहिए। हम MPPSC में हमारे MP के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर MP में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो इससे संबंधित बहुत सारे और भी जीव है, तो ये सब कुछ डेटा जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट कि पर्यावरण के संबंध में जो विभिन्न सम्मेलन होते हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हो गया, और जैसे आपने सुना होगा जैसे COP कोप जो है 1 से लेकर 22-23 तक के लगभग हो चुके हैं। जैसे पेरिस सम्मेलन हो गया, पेरिस सम्मेलन कितना हाईलाइट रहा है कि जो अभी जो अमेरिका है इससे बाहर हो चुका है, अमेरिका ने इससे बाहर आने की घोषणा कर दी, इसलिए फिर पर्यावरण सम्मेलन हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, और वो क्वेश्चन है जो जनरली जो UPSC की तैयारी करता है सही करके आ जाता है, और जो सिर्फ हम MPPSC के नाम से बैठे हुए हैं इस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है और हम इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, अब इसके स्रोत की बात करें कि भाई तो हम बता दें कि इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, या तो फिर बहुत मोटी मोटी बुक्स जो UPSC के लिए हैं, पर स्रोत में कोई एक किताब नहीं, तो आप क्या करिए, या तो कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे कोई होंगे आई डोंट नो, आप देख सकते हैं जिन्हें टॉपिक कवर किए हुए हैं, और गूगल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि इन टॉपिक से संबंधित नोट्स बना लें जिसको रिविज़न के लिए आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी, तो ये पर्यावरण की बात हो गई। इसके बाद जो बात करते हैं कि भाई अब जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए इनको हम कैसे पढ़ें, इनकी भूमिका तो बहुत सारी है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विविध हो गया, इन सबको आप किससे कवर करें, हम ये देख रहे हैं किससे कवर करना है। तो फिर वही बात कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ल्यूसेंट, सामान्य अध्ययन, जो कि इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। ये वो ल्यूसेंट है जिसके अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक साथ है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है पूरे के पूरे सब्जेक्ट। और यदि आपको किसी भी बुक का परीक्षण करना है कि भाई ये बुक कैसी है, तो मेरे हिसाब से किसी की बात ना सुनकर आपने बुक को साथ में रखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना और देखना है कि इस पेपर से इस बुक के अंदर क्वेश्चन बने कि नहीं बने। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब हमें समझ में आ जाता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो इसी बेस पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ल्यूसेंट है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, विविध के लिए एक रामबाण बुक है। ये ऐसी बुक है कि जो कि हर एग्ज़ाम में 35-40-45 क्वेश्चन कवर कर लेती है, अगर इस क्वेश्चन आ रहे हैं इतना GS से, तो इतना पार्ट ही अकेली बुक ही कवर कर लेती है। और कई बार लोग एडवाइस करते हैं कि ल्यूसेंट पढ़ो ही मत, मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई ल्यूसेंट नहीं पढ़ रहे हो मतलब आपकी संभावना सिलेक्शन लेने की बड़ी कम हो जाती है, इसलिए ल्यूसेंट पढ़ना ही चाहिए। हालांकि ये कह सकते हैं आपके ल्यूसेंट के समान डेटा किसी अन्य प्रकाशन में दिया हो तो ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए, परंतु जैसा मुझे आइडिया है ल्यूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ, तो आपने ल्यूसेंट पढ़ना चाहिए, और कम से कम 6 से 7 बार एग्ज़ाम के पहले तक के इसको तो आपको रटना ही चाहिए, क्योंकि इसको याद रखना बड़ा टेढ़ी खीर है, नहीं हो पाती आज जनरली हम इसमें इतने फैक्चुअल जो डेटा दिए हुए है। हम थोड़ी सी बात करेंगे भूगोल की, क्या आखिर भूगोल से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भूगोल में जनरली आपको भारत के भूगोल से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन अगर पूछेगा, कई बार तो 12-15 क्वेश्चन ही पूछे गए भूगोल से, और भारत के भूगोल से ही पूछे गए कि भाई दर्रे कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ हैं, ये सब विभिन्न जो चीज़ें हैं, खनिज संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परंतु विश्व भूगोल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। विश्व भूगोल कैसे, विश्व भूगोल में जो भौगोलिक स्थिति है कि भाई कौन सी झील, कौन सी नदी, सब कुछ कहाँ कहाँ पर है, कौन से देश की सीमा किससे नहीं लगती है, लगती है, ये जो जनरली क्वेश्चन है भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और साथ में जो विभिन्न औद्योगिक केंद्र है विश्व के, जिस प्रकार MPPSC में पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में, जो विभिन्न औद्योगिक केंद्र है, यहाँ से भी वैश्विक भूगोल के अंतर्गत क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी तो भाई पॉलिटी ही है, इसको तो पढ़ना ही आपको अच्छे से, और अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो समितियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और विभिन्न कंपनियों की स्थापना, किसकी मदद से कंपनियां बनी हैं, और बैंकिंग प्रणाली एक ऐसा टॉपिक है अर्थव्यवस्था में जिससे क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। और विविध एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हमारे होते हैं, बहुत सारा जो डेटा है हमारा तैयार हो जाता है, तो विविध को आपने पढ़ना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक जो हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ल्यूसेंट के अंदर आपको ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आपने किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में 5-6-7 बार आपको इसका रिवीजन करना ही करना है। इसके बाद क्या करें कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं,
उन टॉपिक को डिस्कस करा जो कि लिसनर से पूछना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपने, थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं। और क्या पढ़े कि हमारे हम अधिकांश अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, अधिक क्वेश्चन को और अधिक सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं, छोड़ने की संभावनाएं बहुत कम बचे, ऐसा क्या पढ़े। और तो जो जैसे लुसेंट आपने देखी तो वैसे ही एक लुसेंट का ही वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आता है। तो सामान्य ज्ञान ये ऑब्जेक्टिव वाइज है, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, पूरे के पूरे सब्जेक्ट इसमें है। और इस ये जो अगर इस बुक को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, परंतु हाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कराएं जीएस के, खासकर जीएस की बात कर रहे हैं हम। और इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट है, साइंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सब के सब आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आपने लगा लेना चाहिए। ये हमने शामिल इसलिए करा कि अभी 3 महीना है आपके पास, और 3 महीने मेरे हिसाब से आप डेली डेली पढ़ेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपने जीएस के लिए इसको करना चाहिए। जीएस के लिए एक और चीज़ है, मैं बहुत सारे सोर्सेज बता रहा हूँ आपको जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, आप ऑब्जेक्टिव अच्छे सॉल्व कर पाए। क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव अच्छे सॉल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वैसे ही घटनाचक्र जो है, घटनाचक्र जो प्रकाशन है इसके बहुत, ये भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट का बुक निकालता है। जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें विज्ञान लिखा हुआ है, परंतु जो घटनाचक्र है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब का अलग अलग प्रकाशन निकालता है, जिसमें पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। और इससे क्या हो जाएगा कि यदि आप इसको पढ़ लेते हैं इसको भी, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएंगी। परंतु ये तब पढ़ना है जब आपके पास टाइम रहे कि भाई हाँ अब हमारे पास टाइम है, हम इसे पढ़ लेते हैं, तब इसको पढ़ना चाहिए आपने। तो इससे भी कई बार क्या क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट में आए हैं वो हमारे एमपीपीएससी में भी रिपीट हो जाते हैं, और ऐसे हुए हैं। यदि आप इसको देखेंगे, इसको खोल के, तो इसमें देखने को मिलेगा कि सन 2008 में जो यूपी में क्वेश्चन आया था, 2011 में एमपी में पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको घटनाचक्र के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं खेल की, कि भाई आखिर खेल जो है एक बहुत ही, मतलब मेरा मानना है कि भाई खेल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेल के कारण यदि खेल आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप बाहर भी हो सकते हैं एमपीपीएससी से। तो खेल में भी क्या पढ़ना चाहिए हमने, जैसे विभिन्न खेल की बात करें तो खेल की स्थापना कब हुई, खेल कब शुरू हुआ, यहाँ से 2017-18 में क्वेश्चन पूछे गए थे। विभिन्न खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन सी, विभिन्न खेल संबंधित खिलाड़ी कौन से हैं, और शब्दावली कौन सी है। शब्दावली तो एक ऐसा टॉपिक है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे शब्दावली से, सिर्फ इससे ही एक टॉपिक से। तो विभिन्न खेल की शब्दावली, और साथ में जो करंट रहा है कि करंट में विभिन्न ट्रॉफियां हैं, उसके विजेता, उपविजेता, वो ट्रॉफी का स्थान कहाँ पर रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, और अगले साल कौन सी ट्रॉफी कब होने वाले है, इन सब चीज़ों पर आपको बड़े अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद एक वो टॉपिक जो हर किसी का अधूरा ही छूट जाता है और कोई प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं कर नहीं पाता, और जिसने कर लिया उसकी संभावना बहुत अधिक सिलेक्शन लेने की बन जाती है, और वो है करंट अफेयर्स। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम जो है साल भर तैयारी करते नहीं, और फिर एक टाइम एग्ज़ाम जब सामने आ जाता है फिर हम भागते कि हम कहां से करंट अफेयर्स तैयार करें, और फिर हम विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे, आपको पता होगा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स बनाते हैं, परंतु आप बड़े ध्यान से उन्हीं लोगों का वीडियो देखिएगा जो एमपीपीएससी का टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, कि भाई एमपीपीएससी को ही दृष्टि में रखकर विभिन्न टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स बना दिया और कुछ अलग ही टाइप का दे दिया, और हमने उसी पर विश्वास करके हमने हमारा करंट अफेयर्स तैयार कर लिया और वो एमपीपीएससी में नहीं आया। इसलिए थोड़ा संभल के अगर किसी चैनल के माध्यम से आप तैयार करोगे तो। दूसरी बात ये कि आखिर फिर पढ़े कि अगर चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स तैयार ना करें तो क्या पढ़े, तो आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए। प्रतियोगी दर्पण हो गया, जो हर मंथ आती है, इसकी वार्षिकी भी आती है, दिसंबर में इसकी वार्षिकी आ जाएंगी। दूसरी बात है कि भाई पूरे के पूरे 12 मंथ का आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए, 6 मंथ का भी नहीं। मेरा तो ये मानना है कि जब भी आपका पेपर होगा उसके पिछले 12-13 महीने का, जैसे मार्च में पेपर है तो मार्च से लेकर अगले मार्च तक के पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी हमारा 18 फरवरी 2018 को पेपर हुआ था तो उसने जनवरी का करंट अफेयर्स पूछ लिया था, और पिछला भी करंट अफेयर्स बहुत पिछला पूछा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 12-13 महीने करंट अफेयर्स होना चाहिए, लगभग एक साल का। प्रतियोगी दर्पण बहुत अच्छा सोर्स है। प्रतियोगी दर्पण यदि आपके पास हर मंथ की नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि आपने ली होंगी तो अच्छी बात है, नहीं ली होंगी तो फिर दिक्कत की बात है, पर वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो भी आप
कर सकते हैं। और साथ में यदि वो भी नहीं हो रहा तो कोई वार्षिकी लेके, जैसे अब दिसंबर में अभी भी बहुत सारी मैगजीन आ चुकी है जिसमें 8-8, 10-10 महीने का दिया हुआ है, तो उसको आप ले सकते हैं और उसको कम से कम 6 से 7 बार आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स को। उसमें भी क्या, जैसे नियुक्तियाँ जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक की बात करें, नियुक्तियाँ बहुत पूछता है हर साल, चर्चित घटनाएँ उससे संबंधित फैक्ट बहुत पूछता है, जो पीएम है हमारे और प्रेसिडेंट जो विभिन्न देशों की यात्रा पर जा रहे हैं ये चीज़ें, और जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं यहाँ से, विभिन्न योजनाएं और करंट अफेयर्स के गेम, तो ये सब चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में देखना है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि एमपी का करंट अफेयर्स कैसे करें। अब देखिए बात यही आती है कि हम अब 3 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करें तो आखिर एमपी का तैयारी कैसे करें। या तो आपको एक मैगजीन मिल सकती है जिसमें पूरा का पूरा ईयर भर का करंट अफेयर्स हो, या तो कोई वही न्यू यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिल जाए जिसने पूरा का पूरा एमपीपीएससी का करंट कवर करके रखा हो, तो यहां से आप एमपी का करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। या तो आपके पास पूरे के पूरे रोजगार निर्माण पेपर जो साप्ताहिक आते हैं, क्योंकि रोजगार निर्माण एक ऐसा पेपर जिससे कि आपका भारत का करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और साथ में एमपी का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। तो ये भी क्या है, इसमें सिर्फ 5-5 पेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक सप्ताह में 5 पेज, और ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसको आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए किसी भी एमपी के एग्ज़ाम में, रोजगार निर्माण तो पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपका एमपी का और अदर पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा, करंट अफेयर्स बहुत सारा शामिल हो जाएगा इसके अंतर्गत, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटजी थी हमारी जो कि आपने 90 दिन में आपने करना चाहिए। याद रखिए कि इन टॉपिक को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो पूरी की पूरी बहुत सारी संभावना बनेगी कि आप एमपीपीएससी को क्रैक कर पाए। आई थिंक सो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर मुझे लगता है कि इस पर इसकी तैयारी के लिए इतनी बातें करना जरूरी था, बहुत ज़रूरी था कि आप 90 दिन पहले से जान पाओ कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आने वाले 90 दिन हैं आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, हमें हार नहीं मानना है, हमें जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करें आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करना है। 15-15 दिन का टाइम टेबल बनाइए और कैसे भी करके उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, और जो आपने टारगेट रखा है कि हमें 15 दिन में ये प्राप्त करना है, अचीव करना है, और उसको एनी हाउ कैसी भी किसी भी स्थिति में, जागना पड़े, सोना पड़े, कहीं घूमना नहीं पड़े, कैसी भी स्थिति में व्हाटएवर, आपको उसे अचीव करना ही करना है। और बैक टू बैक पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, उसके लिए भले हमें 8 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, 90 दिन याद रखिए, 90 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी प्रीलिम्स के बाद। और ये भी ध्यान रखिए कि शायद हमारा जो चैनल है स्टूडेंट जंक्शन, यह आपको हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करे पूरा का पूरा आपको एग्ज़ाम तक के प्रोवाइड कर दे, परंतु हम थोड़े लेट भी हो सकते हैं, इसलिए किसी पर डिपेंड ना रहकर अगर स्वयं हम तैयारी करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे टॉपिक आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक खासकर एमपीपीएससी की तैयारी के लिए मिलते रहे। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आपसे कहना था, आई होप आप लास्ट तक के वीडियो देख रहे होंगे। तो इस जो भी आप एमपीपीएस की तैयारी कर रहा है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि जितने भी एमपीपीएस से संबंधित न्यू डेटा रहेगा, फैक्चुअल डेटा, जितना भी सब कुछ टॉपिक रहेंगे, सब कुछ आपको चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।